What's up? Guess where we are? We're in Lucknow. We are in Lucknow. Of course, we are in Lucknow. What's up? We're doing this. How are you? I've been to like with my friends to restaurants and everything, but here no. Why? अरे क्या करूँ आके मेरा ना कोई boyfriend ना कुछ मैं क्या 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 किसके साथ चुम्मा चाटी करूँ? Wow. यही करना. Urfi just spitting facts, straight up facts, guys, straight up facts. Yeah, तो romance कहाँ? By चुम्मा चाटी I mean romance, not just चुम्मा चाटी. But I mean like क्या किसके साथ romance करूँ आके? Are you great at giving relationship advice? Yeah. My only advice break up. छोड़ बहन. अपना करो. Only advice, break up. बैठ के करते हैं, it's too, बहुत धूप है, तो हम यहाँ पे बैठेंगे हम. तो यहाँ पे बैठ के हम बात करेंगे. Let's have a chat. No, but listen, because we are in Lucknow, I want to actually take you back to your childhood. Okay. And I want to meet the Urfi. छोटी Urfi कैसी थी? Like how was she? If you have to describe Urfi, what was she like? छोटी Urfi तो बहुत ही सीधी सहमी डरी हुई थी. सो छोटी Urfi वॉज वेरी क्यूट, सीधी सी बेचारी, कुछ दुनिया की नहीं. बहुत सीधी थी यार, मैं बहुत सीधी थी. Yeah? क्या बताऊँ मैं. पर धीरे धीरे बड़े होते होते आई रियलाइज की दुनिया हरामी है. हरामी बन वरना सब तुझे चढ़ जाएंगे तेरे ऊपर. और फिर घर पे तेजी नहीं दिखा पाती तो मैं भारी इन लोगों को दिखा देती थी. तो छोटी Urfi टीनेज तक तो बहुत स्वीट सी थी. Yeah? वेरी स्वीट यार. And were you a studious kid or were you somebody? I was studious till like 10th standard and then I left studies. फिर मैंने पढ़ाई नहीं करी. 11th 12th में बस जाके एग्जाम दिया. मैंने बुक खोली ही नहीं है. मतलब कोई फायदा नहीं होना है. या कौन सा मैं इंजीनियर, सॉरी मतलब कुछ साइंटिस्ट बन जाऊंगी. मुझे बनना ही नहीं था. मैं नहीं होगा. बट बनना क्या था बचपन में? I actually genuinely I just wanted to be an actor or get into the showbiz. Always बचपन से. Always interest था. Maybe a fashion designer also. But I knew कि घर से allow नहीं होगा. Okay. वो मुझे पता था कि ये तो सपना ही है. कुछ यही सब करना पड़ेगा जो पढ़ाई वाला है. पर why do you say कि घर से अलाउ नहीं होगा? नहीं नहीं, my family was very conservative. You know it was very conservative. I knew they would not allow this dream. वो नहीं, मुश्किल था यार ये वाला तो. Yeah. मुझे पता था मुश्किल है. तो मैंने इतना फिर वो सपना ही, मैंने कहा देखते हैं क्या होता है. And were you always interested in fashion बचपन से? Yeah, always interested in fashion. I used to love makeup, getting dressed. बहुत अच्छा लगता था, मज़ा आती थी यार अपने आप को ऐसे देख के कि मुझसे सुंदर तो इस दुनिया में अब कोई है ही नहीं. आ जाओ सामने, बस हाइट थोड़ी लंबी होती तो ये ऐश्वर्य क्या, ये सुष्मिता क्या. अरे अरे, नो बट यू नो बिकॉज यू सेड दैट यू नो यू बिलोंग टू अ कंजर्वेटिव फैमिली, टू हैव अ ड्रीम लाइक दैट एंड देन टू बिलोंग टू अ कंजर्वेटिव फैमिली, इट्स लाइक पोल्स अपार्ट, राइट? अरे बट हाउ डिड यू बैटल दैट? हाँ बट सपने कोई सोच के थोड़ी देखता है, वो तो बस आ जाते हैं. Yeah. वो तो बस मन कर जाता है. बट लिसन, आई एम गोइंग टू एक्चुअली टच ऑन अ टॉपिक दैट यू मे और मे नॉट लाइक, इज योर रिलेशनशिप विद योर डैड. देयर इज नो रिलेशनशिप. सो यू नॉट अटैच्ड टू हिम? एस्ट्रेंज्ड, कट ऑफ 10 साल से, सिंस द टाइम आई रैन अवे. आई ट्रूली बिलीव कि भाई जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है ना, यू नीड टू कट द टाई. Yeah. वो साइकिल कंटिन्यू करके फायदा नहीं है, चाहे वो आपका बाप हो, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो. एंड ऑनेस्टली इतना कोई प्यार भरा रिलेशनशिप था भी नहीं उनसे. आई हैव नेवर इवन स्पोकन टू हिम इन माय एंटायर लाइफ. तो नॉट लाइक आई मिस हिम, कुछ ऐसा प्यार व्यार नहीं था यार हमारे बीच. बट व्हेन डिड यू रियलाइज दैट इट इज नॉट वर्किंग आउट विद योर फादर? सिंस द डे आई वाज बोर्न. एंड व्हाट वाज दैट थिंग दैट? माय वजाइना. ओके. या आई वाज बोर्न अ गर्ल. सो ही वांटेड अ सन. मतलब इन सेंस इन लखनऊ और स्मॉल टाउन्स तो वो तो सबको ही चाहिए होता है ना, कि मतलब पहला बच्चा भी लड़की निकल गई, दूसरा भी लड़की निकल गई, तीसरी भी लड़की निकल गई तो थोड़ा हो जाता है. तो वो तो चाहिए रहता है.
एंड वो गुस्सा पूरे लाइफ निकाला उन्होंने हम पे. वो था मतलब इन जनरल जो गुस्सा था, पता नहीं क्या गुस्सा था, पर था जो भी था. And how did you deal with that? Like आज तक ही डील कर रही हूँ, मतलब आज तक ट्रॉमा भरा हुआ है, आज तक भी पागलों जैसी फिरती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, कभी गुस्सा हो जाती हूँ. सो इट्स यू डील विद इट. पहले तो समझ आने में टाइम लगता है ना. मेरी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हुई थी 17 साल में. तब मैं निकली एंड देन मैं ना रियलाइज करने लगी कि मेरे खुद के टॉक्सिक ट्रेट्स क्या हैं. धीरे धीरे अब मुझे रियलाइज होता है कि यहाँ पे मैं गलत हूँ. वो क्यों गलत, जैसे मुझे कभी इतना गुस्सा आ जाता है मैं पागल हो जाती हूँ, वो क्यों आता है? क्योंकि वो दबा हुआ बचपन का गुस्सा है. एंड वॉज देर अ मोमेंट वेर यू आर लाइक अब हो गया, अब मुझसे नहीं हो सकता? बहुत, कितना मतलब इतने ही मोमेंट्स होते हैं रोज ही. अभी तो नहीं, पर पहले तो बहुत होते थे कि भाई मर जाऊँ मैं. Suicidal thoughts, a lot of it. I think I've tried committing suicide maybe, I don't know. 5-6 times तो हुआ होगा. वो generation gap जब होता है parents और इसका, तो वो नहीं. आजकल फिर भी better है, but उस time 10 साल पहले तक इतना नहीं लोग समझ पा रहे थे. क्योंकि science और technology इतनी तेज़ी से advance कर रही थी, लोग advance कर रहे थे. बट अगर पहली generation के thoughts उस तेज़ी से advance नहीं करेंगे तो conflict तो आएगा ही आएगा. Yeah, that is so true. Damn. You spoke about technology. There was something that happened in Lucknow pertaining to you. Your video went viral. It was not a video. It was a picture on a porn site. How did it land up there, though? अरे ऐसा कुछ किसी ने morph नहीं करी थी. So क्या हुआ था? मतलब normal picture थी. मैंने Facebook पे डाली थी. तो मैंने ऐसे एक off shoulder top पहना था और jeans पहनी थी. पर 10 साल पहले ही off shoulder top पहन लिया. बहुत घर पे allowed होता नहीं था. बड़ी बात होगी. तो सेम टू सेम पिक्चर डाल दी थी किसी ने पॉन साइट पे एंड घर वालों को पता चल गया. सो देवर जस्ट लाइक ये तो पॉन स्टार है. लाइक दे डिडंट इवन हैव अ चैट विद यू? नहीं नहीं, सीधे चैट मतलब सीधे चट हुई है. चट बहुत मारी गई मैं कि इसने बना किया है, ये प्रोस्टिट्यूट है, पॉन स्टार है, ये सब बोल दिया गया. या इससे भी गंदा बोला गया. तो आई वाज 15 आई थिंक. You didn't go to college, you said. I went for 6 months. And then what happened? Then I left my house. मैं घर से भाग गई थी. हाँ. तो पैसे ही नहीं थे कॉलेज के, कहाँ से जाती मैं? And your dad even like he didn't even like encourage your parents. ऐसे ही भागी थी मैं. मतलब it was a very big. दो साल से वो जब से porn site पे picture upload हुई थी, दो साल से वो चल रहा था trauma, ना वही सब मारपीट और it was too much to take in. फिर मतलब बस एक दिन मतलब ऐसे नहीं भागे थे, भाग के सीधे मैं पुलिस स्टेशन गई थी. हाँ. कि मतलब कि मुझे मेरे बाप से अलग कर दो भाई, नहीं तो मैं तो सुसाइड कर लूंगी. सो मी एंड माय सिस्टर. ओ, तो यू वेंट टू अ पुलिस स्टेशन प्रॉपर्ली? या कि ही शुडंट फॉलो मी एंड देन ही केम देयर. बट ही सेड वहां पे भी सेम पुलिस वालों को कि ये तो पॉर्न स्टार्स हैं, इनकी तो पॉर्न मूवीज बनी हुई हैं. ही टोल्ड द पुलिस. ही सेड ऑल दैट. आई शुडंट हैव बीन सैड बट इट्स ओके. वो अपना झूठ, आप झूठ बोल के पॉइंट रख रहे हो. ठीक है. एंड देन व्हाट डिड द पुलिस डू अबाउट इट? नहीं, बट 18 थी मेरी बहन, मैं भी बस 18 टर्न होने वाली थी. तो ही कुडंट, ही वाज देयर 18, बालिगें कुछ भी कर सकती हैं. तो वो एंड देन यू ऑल डिसाइडेड टू लीव लखनऊ एंड गो टू दिल्ली? नो, 6 महीना मैं यहीं थी. 6 महीना मैं इधर उधर मतलब क्या होता था, सुबह किसी फ्रेंड के यहाँ जाके नहा धो लिया और शाम को किसी फ्रेंड की कार में रुक गए. तो फिर सो यू आर लिविंग आउट ऑफ अ कार एंड पार्क्स. तो सुबह फिर किसी फ्रेंड के यहाँ चले गए, जब कार नहीं है तो किसी पार्क में सो गए रात में. सो मतलब चेयर पे ऐसे ही. फिर किसी फ्रेंड के घर जब उनके मम्मी पापा ऑफिस गए तो कर लिया, नहा धो लिए, खाना वाना खा लिया, इधर उधर इधर उधर इधर उधर. हाँ, तो एक बंदे, एक फ्रेंड था, उसका घर कंस्ट्रक्शन पे था. तो 3-4 दिन बिल्कुल मतलब कंस्ट्रक्शन ऐसे ही. तो बस चादर लगा के सो गए कंस्ट्रक्शन वाले घर पे. ना लाइट है, ना फैन है, पड़ा भी क्या करे. फिर बहुत मुश्किल से 6 महीने बाद हमने एक अपार्टमेंट रेंट किया था आउटस्कर्ट्स लखनऊ पे. तो बिल्डिंग बन रही थी, लखनऊ में इतना बिल्डिंग का चलन नहीं था. तो एक मिल गया ऐसे, किसी ने दे दिया 6,000 रुपये का. तो 3,000 मेरी बड़ी बहन देती थी, 3,000 मैं देती थी रेंट. एंड व्हाट डिड यू लाइक? ट्यूशन पढ़ाती थी मैं बच्चों को. यू वर टेकिंग ट्यूशन? हाँ, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के. एंड आफ्टर लखनऊ, सो व्हेन डिड यू मूव टू दिल्ली देन? 6 महीने बाद. मैंने कहा यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, ट्यूशन पढ़ा के क्या ही मिल जाना है. yeah. मैंने कहा चलो, दोस्त लोग थे वहाँ पे, मैंने कहा वो कॉलेज वॉलेज कर रहे थे और अपना फ्लैट लेके रखा था. मैंने कहा यार रह लेती हूँ थोड़े दिन तुम लोग के यहाँ. रेंट वेंट नहीं देती थी मैं किसी को, मेरे दोस्त अच्छे थे. सो आई स्टेड विद देम. आई स्टार्टेड डूइंग कॉल सेंटर्स, जो मैंने बिल्कुल मैं गई नहीं. आई नेवर वेंट टू कॉल सेंटर्स. मतलब जाती थी, सो जाती थी, दोस्तों से काम करा लेती थी. फिर धीरे 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 किसी फैशन डिजाइनर को असिस्ट करने लगी वहीं पे. उससे फिर थोड़ा 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 फिर मैंने कहा मुंबई जाके कुछ काम हो पाएगा.
Did you have a girl gang in Mumbai, in Lucknow? नहीं, not that. मेरे friends इतने थे नहीं, but एक ही थी मेरी friend. Girl gang तो नहीं बोलूँगी, एक ही मेरी friend थी school से, यशी. हाँ. Gang gang नहीं, she was my good friend. And you have been in touch with her even yeah, today? Yeah, we talk. We still. She's been my friend for 20. उससे ज़्यादा, I don't know. When people see you on Instagram, okay, they kind of correlate with okay, she's just a pretty face and wearing clothes like these. मेरे लिए बहुत है वो pretty face बुला दिया वो. But, bro, your mind is bigger than that. Why do people not correlate? But mind, it's not like I'm very intelligent or something. You are, I'm going to correct you right there. You are. You can put 5 people in a room. 5 intelligent people in a room, and I can tell you this, by the way, that Urfi can beat them. And I'm not saying this because she's sitting next to me. She is actually very well read. I am confident enough to have a conversation with them, but beat, I don't know if I'm even competing. No, like intelligent them. Conversation. And you tell me about how many people today in showbiz can have intelligent conversations. वही है ना कि कॉम्पिटिशन नहीं है किसी से. इट्स जस्ट आई एम अ वेरी क्यूरियस पर्सन इन टर्म्स ऑफ लाइफ. मुझे जानना है ये यूनिवर्स क्यों बनाया गया था, मुझे जानना है कि दुनिया क्या है, क्यों आई हूँ मैं इस दुनिया पे, क्यों हो रहा है ये सब, ये चांद सितारे असली हैं, ये पेड़ असली है, ये दुनिया असली है कि हम बस एक वर्चुअल रियलिटी में स्टक हैं. इफ यू हैव सीन रिक एंड मॉर्टी सिमुलेशन हाइपोथेसिस, लाइक सिमुलेशन, व्हाट आर वी हियर फॉर, सोलमेट्स रियली एग्जिस्ट, वाज देयर एवर अ बिग बैंग. I'm just a curious person who wants to know about and the past and the future. And this is where the curiosity comes from. Okay, we moved from Lucknow to Delhi. And then you started auditioning directly? No, from Delhi, se fir main Mumbai gayi. Job interview ke liye. Job nahi mili. So I started, auditioning. You started auditioning? Haan, ki ghar ka ghar to chalana. So mujhe kisi ne bola ki tum kar le jaogi, thik-tak face hai. Yeah. But then when I started auditioning, I realized it's not that easy. And what were the kind of roles that they offered you? अब कुछ भी मिल जाए, कोई ऐसा वो नहीं था. भिखारी को भी जितनी मिले उतनी ठीक. Were there a certain kind of roles that came to you when you were like villain? और पहले तो बहनों के आते थे सिर्फ, because I was a bit chubby. जब मैंने थोड़ा weight loss कर लिया, फिर vamp. Why vamp? Why couldn't you be mainstream Hindi television heroine? They told me that I'm too, एक तो मैं I don't look Indian enough. And I don't look सीधी. मुझे बोला है कास्टिंग डायरेक्टर, आप सीधी नहीं लगते हो, आपका वो बिच फेस आता है. तो मैं बिच फेस आता है क्या होता है? यू डिडंट आस्क मी बिच फेस क्या होता है. मुझे उस टाइम सिर्फ काम चाहिए था, पैसे. आई वाज ऑन सर्वाइवल मोड ना, रेंट देना, ये घर पैसे भेजे. तो मैंने कहा जो ठीक है, बिच बुला लो, कुतिया बुला लो, तुमको जो बुलाना है बुलाओ, मेरे को बस दे दो यार ये वाला रोल, मुझे पैसे चाहिए, बहुत जरूरत है. एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट इनकम, लाइक प्रॉपर इनकम? एक दिन का काम किया था मैंने, एक सीरियल था कहीं, कुछ नया बिग मैजिक पता नहीं क्या था, तो 2500. Wow. Yeah. And from earning that to like earning decent enough money, what was the first big thing that you remember that you bought for yourself? Big thing? Yeah. ऐसा कुछ और a precious thing, forget big. Something यार जो मतलब बोलते हैं ना कि जिसकी आप कीमत आज लगा नहीं सकते. Because you have an emotional connect to that. Honestly, materialistic चीजों से इतनी emotion मैंने नहीं लगाई है. मतलब लगाऊंगी टूटेगा, मतलब मुझे इतना वो नहीं है. उस जब आप नया नया कोई चीज लेते हो तो वो 4-5 दिन का रहता है, ओ ओ ओ, और उसके बाद मेरा ना टूटे पड़े अभी क्या yeah. है. बट आई एम नॉट ऑब्सेस्ड विद. एंड व्हेन यू वर इन मुंबई, योर फैमिली वाज इन लखनऊ? हां, मुंबई, लखनऊ. हां, फिर वो धीरे-धीरे आते गए सब. उरुसा और अस्वी, माय यंगर सिस्टर एंड माय एल्डर. बाकी माय मम्मी एंड माय टू यंगेस्ट सिब्लिंग्स आर स्टिल इन लखनऊ. एंड व्हेन डिड योर मदर लाइक सेपरेट फ्रॉम योर फादर? तो एक साल बाद जब मैं मूव आउट कर गई थी घर के, I got a call from my mother saying ki your father has left us, he married someone else. Oh yeah. And you were not shocked? Nahi, you were not shocked? I was not shocked at all. This you saw this coming? Yeah, I saw this coming. So again, now we are in Mumbai, you have auditioned and all that, and then we land up on Big Boss OTT. yeah, how did that happen? आई थिंक 2 साल पहले देयर वाज दिस, मेरे कॉलेज का ही लड़का था, ही न्यू दैट आई एम इन मतलब मुंबई, सो ही वाज इन माय कॉलेज, मतलब ही जस्ट, वी हैव नेवर मेट, बट ही न्यू अबाउट मी. सो ही अप्रोच्ड मी फॉर सम अदर शो 2-3 साल पहले, बिग बॉस के रियलिटी शो ओनली. उसने मुझे बुलाया इंडियन मतलब टीम के साथ कि आप टीम, सेम टीम थी बिग बॉस और दूसरे शो की, कि आप आओ मतलब देख लो, बातें कर लो. That 1 week of Big Boss was all that you needed. वो होता ना पत्थर को थोड़ी सी polishing चाहिए होती है. No, I think it was not because of the Big Boss. It was then I started getting with थोड़ा media attention. हाँ.
और फिर मैंने रियलाइज किया कि मेरे पास बहुत छोटी ही विंडो है, हाँ। अगर मैं इसका यूज नहीं करूंगी तो अटेंशन खत्म हो जाएगा, हाँ। उससे मैंने ये थोड़ी सोचा था कि कहाँ क्या पहुंच जाऊंगी, पर मैंने कहा कुछ तो करूँ, हाँ। तो मैं अपना कपड़ों के साथ करती थी क्योंकि कपड़े मेरे हमेशा से ही फैशन वॉज माई थिंग। अब उसको तुम फैशन बुलाओ, मतलब उसको तुम अतरंगी बुलाओ, मैं फैशन बुलाऊ, जो भी था। तो मैंने सोचा लेट्स बैंक ऑन द शॉक वैल्यू, लोगों को शॉक करते हैं, वो वायरल जाती है। एंड नोबडी टोल्ड यू दिस, यू फिगर्ड इट आउट? नहीं, आई फिगर्ड इट आउट। ओके, सो हम वो करते हैं। एंड व्हेन, व्हाट वाज दैट फर्स्ट मोमेंट फॉर यू रियलाइज दैट यार ये बहुत, ये आईडिया ब्लो आउट हो गया यार, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। आई थिंक आई वोर द कांच वाला आउटफिट और उससे पहले भी चीजें होती गई, मतलब इट वाज अ डेलिबरेट थिंग, मुझे पता था कि ब्लो आउट होगा। या टॉकिंग अबाउट योर आउटफिट्स, आई स्टिल रिमेंबर दैट टी-शर्ट व्हिच यू वोर एट द एयरपोर्ट, वेयर पीपल वर थिंकिंग दैट यू आर जावेद अख्तर'स रिलेटिव। ओह या, पता नहीं ऐसा कोई रूमर आया था दैट आई एम जावेद अख्तर'स ग्रैंड डॉटर। So I was just like, what better way to tell people than through my T-shirt only? Javed Akhtar ki granddaughter nahi hu. And I met Javed Akhtar like a after few. After that. Yeah, one, I think 6 months, few months back. And how did, was there a conversation yeah, that happened? Yeah, he recognized me. Like, I recognize you. And then he was very sweet to me. We sat down. He even invited me to his house. Ki aap ghar aaiye. Oh. Yeah, yeah. Cute very only. Sweet. Very sweet. Hum aapko Zoya aur Farhan se milate. Humne kaun Zoya? And then I was so spaced out talking to Javed. I'm like, who's Zoya? Arey, hamare bachche. And then, oh yes, Zoya and Farhan are your kids. I just completely forgot. And I was like, par wo bura to nahi manenge. They were like, kyun? Arey, poti aa rahi hai, jayadad mein hisse ho jayenge na. And he was very cool about it. He started laughing and he was very cool about it. Wow. So when this entire phase happened of, you know, you getting fame for your clothes, okay, there was something that happened on the flip side of it. And I remember, you know, you were called distasteful on social media by Farah Khan Ali. Did that affect you? उस टाइम पे हाँ, उस टाइम पे तो नया नया था, तो कोई भी कुछ बोल देता था तो मैं अफेक्ट हो जाती थी। इट इज़ ओके, अभी हर कोई बोलेगा, और मैं तो बोलूँगी जिस दिन बोलना बंद कर देंगे उस दिन मुझे दिक्कत है, ये मैंने अब रियलाइज़ किया है। तो बोलने तो भाई अच्छा है। From being called distasteful to Ranveer Singh admitting on national television that you are his fashion inspiration. Aise he likes your fashion. पर अभी और क्या बोलेगा बेचारा, मतलब he is someone, I think वो negative बोलते नहीं है लोग इतना। वो मैंने नोटिस करी ये चीज़ें बड़े स्टार्स के बारे में, तो ये भी मैं भी फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। यू डोंट नीड टू बी सो नेगेटिव अबाउट एवरी वन, यू सी, यू कैन बी नेगेटिव अबाउट पीपल यू नो कहीं ना कहीं, या तो सही में प्रॉब्लम में दिक्कत है, बट पीपल यू डोंट नो, यू हैव नेवर मेट, ठीक है यार पॉजिटिव ही बोलो, क्या पता उसको सही में अफेक्ट कर जाए बंदी को, स्पेशली जो आपसे नीचे है। आई थिंक बट रणवीर वाज स्वीट इनफ टू यू नो प्रेज मी, वेरी स्वीट, ही इज अ स्वीट गाय, ही सीज स्वीट थिंग्स अबाउट एवरीवन, आई हैव सीन हिम, ही इज वेरी नाइस विद एवरीवन। लाइफ हैज कम इन फुल सर्कल फॉर यू, फ्रॉम यू नो बीइंग ऑन अ शो वेयर करण जौहर वाज द यू नो होस्ट, टू देन बीइंग ऑन द शो वेयर करण कॉल्ड योर शो Yeah. And said, yo, there's a show that's coming starring Urfi Javed. That's life coming in full circle. And how? What was the moment? No, no, full circle tab hoga jab main stage pe hungi and main Karan ke shows announce kar rahi hungi. To wo level chahiye. Abhi wo level aaya nahi hai. Full circle tab hoga. I love being famous. There's nothing more than I want. I have cried asking the universe, God, if there is any God that exists. Mujhe fame chahiye. आई हैव, मुझे पता नहीं, मैं अभी भी रोती हूँ, मैं रो जाती हूँ, जस्ट मेक मी पॉपुलर, जस्ट वो गाना मेरे लिए बना है, वो वीकेंड का द पॉपुलर, इट्स फॉर मी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फेम टुडे? वैल्यू मतलब इट इज़ वेरी वैल्यूएबल टू मी, आई लव बीइंग फेमस, एंड सो यू नो आई एम समवन हु डजंट हैव सेक्स, या आई प्रैक्टिस सेलिबेसी, सो फेम फॉर मी इज लाइक ऑर्गेज्म, अभी वहाँ नहीं मिल रहा है तो कहीं तो कुछ मिले, कुछ तो फीलिंग आए। It's all dry down there. I need to feel it, bhai. So fame, and when someone says, you know, oh my God, like aise koi selfie lene aata hai, or just fame in general, or being popular, it just gets me that high, like whatever. Like I don't know. It's high. It's orgasmic for me. It's everything for me. Yeah. Yeah. From the time you started off till now, what is that one moment, if you have to remember, where you were like, that's my moment. That's my aha moment. ऐसा अब तक नहीं आया है, पर शायद बहुत जल्दी आएगा, मतलब मे बी व्हेन द शो वाज अनाउंस्ड और द फाइनलाइज्ड इट, तब मुझे लाइफ में लगा था। एंड द लास्ट वन कमिंग योर वे उर्फी, द उर्फी हु यूज्ड टू गेट आउट ऑफ द हाउस, द यंगर उर्फी, टू टुडे दिस
sensation that Urfi Javed has become, you know, what is the feeling like? I am yet to become a sensation. I do not feel I'm a sensation. Sensation मैं तब होंगी जब भी हम यहाँ बैठे हैं ना, हम यहाँ बैठ नहीं पाएंगे. I would require at least 10 bodyguards. Then I would become a sensation. These people would be like, Urfi, वो नहीं है अभी मेरे पास. मुझे वो feeling नहीं आती है. तो जिस दिन वो feeling आएगी ना, तब मैं sensation बनूंगी. अभी नहीं हूँ मैं. So it's a to be continued. It's a never ending process, शायद. It's a never ending thing. मुझे वो शाहरुख खान लेवल फेम चाहिए. manifesting this. हाँ, either that or nothing in between. मुझे उससे नीचे I don't think so I'll be satisfied. She speaks her mind and that's one of the reasons why I like her. She calls a spade and never hesitates or even blinks an eye. And that's what I like about her. She has chinks in her armor, but she is not scared to show them. I'm not scared to show my boobs also. I'm not scared to show anything. Love them. Remember ek interview mein I won that cone brand? Yes, that was my interview. Yeah, his interview only. That's why I said you remember and everyone got struck drawing. I'm like, wow, Urfi, at that time, I couldn't afford a boob job, na. So I only had to, whatever I could do. Now I'm getting a boob job, like, very soon. Now I can afford it, yes. Also, you spoke about boob job. Yeah. Okay. Everybody in the industry does some, they go under the knife. Yeah. And it's not like rocket science, people know about this. It's not like newfound information. Yeah. But a lot of people don't talk about it in open. And we shouldn't force them and we shouldn't even judge them. Why? Yaar, agar usne kuch aisa kaam kara hai, matlab uski ek insecurity thi. So yeah, first the society only tells you ki tumhare boobs nahi hai, tum itni flat chested ho, fir kara lo, to bhi wo insecurity yaar, uske bare mein har kisi ke liye aasan nahi hota hai baat karna. मेरा तो नेचर वैसा है कि मैं तो बड़ बोली हूँ, मैं तो कुछ भी बोल देती हूँ, पर हर किसी का नेचर सेम नहीं होता है. यू कांट एक्सपेक्ट सेम थिंग्स फ्रॉम एवरीवन, क्योंकि वो बोलेंगे तो भी उनको बैकलैश होगा, नहीं बोलेंगे बेचारे तो तुम ही ने उनको बेचारों को फोर्स भी किया करवाने के लिए सब कुछ. इट्स ओके. मेक्स सेंस. परफेक्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बैम बैम. या शर्मा जी की चाय जाना है तो हम अभी जा रहे हैं शर्मा जी की चाय. Yeah, it used to be extremely popular. अभी मैं इतना मुझे पता नहीं, मैं आती नहीं हूँ. But tell me 10 things जो लखनऊ आके खानी चाहिए. Go, okay. number 10. Number 10 should be Royal Cafe से आप खाओ बताशे. Okay. और 9 basket chart. हाँ. And then 8 is. 8 is मलाई गिलोरी. Okay. मलाई गिलोरी से एक मलाई लेते हैं, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, फिर पैक करते हैं सेकंड मिठाई. हाँ. फिर नीलकंठ से सुबह सुबह समोसे. ओके. कचौड़ी या व्हाटएवर द नाश्ता एट नीलकंठ. नीलकंठ की फिर 7 मिठाइयां भी बहुत अच्छी हैं. हाँ. नंबर 6. नंबर 6 इज दस्तरखान का बटर चिकन. ओके. नंबर 5 इदरीस की बिरयानी. ओके. नंबर 4 एंड देन दस्तरखान का चिकन मसाला आल्सो. ओके, दैट्स नंबर 4. टुंडे कबाब. नंबर 3. ऑफ कोर्स टुंडे कबाब. ओके. नंबर 2. नंबर 2 कैन बी मक्खन मलाई. एंड नंबर 1 मेरे घर का खाना. अरे लिसन, डू यू गाइस नो दिस बाय द वे दैट Urfi इज अ ग्रेट कुक. कभी-कभी बनाती है. अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो दिस. एंड Urfi हैज टोल्ड मी दिस अ गजिलियन टाइम्स दैट शी कुक्स वेल. So I'm taking a word for it. But what is the best thing that you've made? Biryani achhi bana leti hu, kabab bhi achhe bana leti hu, churro to banati hi rehti hu logo ka. Wo to chalta rehta hai. Yeah, this is the Urfi that I'd seen when she had come down to interview the first time. By the way, this sassy Urfi, and I'm like, yo, what's up? Arey, wo to banavat tha. Kya bol yaar, Lucknow ki Urfi, Lucknow Urfi is different. Yeah, I like. Mumbai Urfi is different. No, but I have seen the. I have seen you real Urfi and I like the real Urfi. But the real Urfis are also different Urfis. Like Lucknow mein alag accent bhi aa jata hai. Aur Mumbai mein accent change hota hai. Mumbai mein I'm like, what the f*** are you saying? Like, are you okay? And yahan pe pagal pagal ho ke dimag sahi hai tumhare. Zyada na bolo. So that accent is there. So. Wow. Look at Urfi. Just look Lucknow mein people talk like that na, thoda aise. पागल वागल हो क्या, हम बोल रहे थे उनको वो करने ही नहीं जा रहे तो हम क्या करें. ऐसे गा के बता रहे हैं. दे आई आल्सो यूज्ड टू टॉक लाइक दैट. अभी फिर मुंबई जाके अभी मेरा हो गया, मेरे को पागल समझाए क्या क्या. अरे तू पागल है. व्हाट इज तू. आई नेवर यूज्ड टू से तू. आई वाज लाइक तुम. अचानक से ना हो तुमको तू. आई एम लाइक तू. अब मेरे को मत सिखा, मेरे को मत बोल. आई एम लाइक मेरे को. तहजीब तहजीब तो तब भी नहीं थी, अब भी नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा यू नो
लखनऊ में, अगर आप नहीं, मोस्टली तो सब आप बोलते हैं, बट इफ नॉट देन तुम जाओ, तू यहाँ नहीं, तू इज कंसिडर्ड वेरी ऑफेंसिव हियर. या इफ यू कॉल समवन तू, कि तू क्या कर रही है, इट मीन्स यूर आपकी लड़ाई हो रही है, तभी आप तू बुलाओगे. जब लड़ाई हो रही है, तू यू कांट कॉल समवन तू इन लखनऊ, यू आर फाइटिंग इफ यू आर कॉलिंग समवन तू. इट्स वेरी, जब मैं नई नई मुंबई आई थी, जब लोग मुझे तू बोल देते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था कि हाउ रूड यार, मुझे तू करके बात कर रही है, क्या मैं कुछ हूँ नहीं क्या. Then I realized later कि हाँ तू करके ही बात होती है. But what is that one thing that you like about Mumbai and the one thing that you still don't like about Mumbai? No, I love Mumbai. I like everything about Mumbai. अभी रोड थोड़ी गड्ढे जो हुए रखे हैं, except that I like the वड़ा पाव जो अब दिल्ली में वायरल हो रहा है. I love our दबेली. दबेली भी हो जाएगी मुझे लग रहा है बहुत टाइम है, ये मैं predict कर रही हूँ. I think दबेली is going to get viral very soon in some part of India. मुंबई में नहीं होगी, मतलब मुंबई में तो चलती है हमारे मुंबई में, हाँ. कोई और कहीं पार्ट में दाबेली, अब पता है कौन वायरल करेगा, कोई लड़का बेचेगा तो वायरल नहीं होगी, कोई लड़की बेचना होगा तभी वायरल होगी यार. क्योंकि जो जैसे बड़ा पाव वायरल हुआ था exactly, तो भी किसी सुंदर लड़की को बेचेगी, हाँ. तो अभी तो मैं ही ठेला लेके खड़ी हो जाऊंगी दिल्ली में, तभी हो सकती है. तो आई थिंक आई विल स्टैंड इन दिल्ली. Kulfi has a side business idea. I have कि मैं दाबेली. Is this Sharma ji की चाय भी है? Yeah, this is Sharma ji. This is Sharma ji की चाय. Okay, we're gonna get down. That is the place. That's where we go. That's how we roll. That's how we roll. Let's do this. Namaste. Hi. हमें वही अपनी फेमस चाय, बन मक्खन और समोसे. स्पेशली मैं इनको लेके आई हूँ मुंबई से पूरी शूट करने के लिए यहाँ पे. थैंक यू सर. हेलो. सो नाइस ऑफ यू ऑल. बन मक्खन सबके लिए ले आए? मैं सबके लिए, मैं बचपन में यहाँ इतना आती थी भाई, मैंने इतने खाया ना यहाँ के बन मक्खन, तो मैं 8-10 ऐसे खा जाती हूँ. अरे कहाँ, अभी नहीं ना, पहले. अभी वो नहीं खा रही. अभी कहाँ, आप तो सीरियल में आते हैं ना सर? नहीं, ये जर्नलिस्ट. मैं जर्नलिस्ट हूँ, ये सीरियल में आती है. मेरा शो आ रहा है, तो मेरा शो आ रहा है, तो आप तो आती हैं. आप बन मक्खन लेके आओ, साथ आए मैम, मेरे समोसा लेके आओ. पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी, पहले. नाउ इट हैज बिकम लाइक अ बिग थिंग. या इट वाज नॉट दिस क्राउडेड एट ऑल. और यहां पे सिर्फ दो चीजें मिलती थी. अरे बाप रे, अरे 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 अरे, बस बस. डैम, यू हैव टू हैव अ चाय. ओके, वी नीड टू वेट फॉर चाय. काफी कूल है, काफी कूल है. Bro, कैसा लगा? This is very good. चाय के साथ तुम यहाँ की चाय पियोगे, you'll be like, this is so good. I told you. Yeah. It's different than Mumbai samosa. Yeah, it's a very, yeah. Also the filling is very different. Very different. There's this one more place for samosa. I go Neelkanth. हाँ. वो बहुत tasty है. सुबह शाम यहाँ पे सिर्फ 3-4 चीजें ही मिलती हैं, पोहा, चाय, बन मक्खन एंड. Oh, this is a chai. Chai is. This one is of the best things. I've never had a chai like this. I'm sorry, I'm gonna smell it. It smells divine. So you take this, dip it in. I was supposed to be on a diet. Same. I was supposed to be on a diet. Urpi has ruined my diet right now. Same. I ruined my diet also, but this so is. So there's a lot of gluten here. There's a lot of sugar here. But there's a lot of good food here. But this is something which you not taste. That's what I'm saying now. Let's do this. Okay, then tell me, the chai is very different here. Come on. Go for it. It is different, right? This is so good, Urfi. I told you you're missing out on something, because this used to be my breakfast. Okay, what is different about this? It, you know, the taste is very different. Chai ka taste, if you see, huh.
एंड इट्स अ बिजी स्ट्रीट सो यू स्टैंड हियर एंड इट इज नो लाइक यू आप बैठो नहीं कार में भी ले सकते हो ओके कार में लेके जाओ मतलब चाय इट्स जस्ट इट्स डिफरेंट आई डोंट नो व्हाट डू दे ऐड पीपल यूज्ड टू से कि ये अपनी चाय में अफीम मिलाते हैं बिकॉज़ इट्स सो एडिक्टिंग इफ यू आर अ चाय लवर मतलब एक बार आना बनता है यहां पे यार दिस चाय इज डिवाइन आई नो लास्ट टाइम आई हैड सच गुड चाय दिस इज वेरी गुड I don't know, is it the milk or what it is? पता नहीं कैसे बनाते हैं, it's amazing. उर्फी मैम कैसी है चाय? बहुत अच्छी है, इनको तो बहुत पसंद है. बहुत अच्छी है. बहुत अच्छी है. मैम मैं एक सेल्फी ले पास. ठीक है चलो. मुझे आ गया आज आपको एक के बाद. बाय 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 हो गया. थैंक यू आपका धन्यवाद आपका. अरे नहीं नहीं थैंक यू. आई एम हैविंग बट मक्का आफ्टर एजेस. टोटली 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 बहुत बढ़िया गाइस. आई एम फुल. I was not expecting to eat this. But you have now. Now you have. मेरे चीटे पे चीटे हुआ जा रहा है. I will hit the gym today रात में. You will hit the gym. I will. But thank you so much, Urfi, for doing this. It was amazing. Making me a part of this the madness. Your city, yeah. Lucknow, and making me revisit your childhood. This was a vibe. This was my thank childhood. Thank you so much. Yeah. College days. Amazing. Love and only love to you. Love it. Love it. Love. Let's go, guys. It's the bye bye. I'm going to see you. See you very bye-bye. Soon. Bye-bye. Thank you so much. Bye. Bye-bye. 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 Thank you so much. Bye-bye. No, no. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. And that is what you do when you're in Lucknow. You chill with Urfi. You eat some good food. You say bye-bye to gluten-free and sugar-free. You come to Sharmaji Ki Chai. You talk about food. And when I'm going back now to Mumbai, I'm taking back with me a lot of food memories. Some great conversation and a friendship that's gonna last for a long time. Until I see you guys again. This one is a wrap.